मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है ट्रैक्टर मार्च रोकने पर क्या मानेंगे किसान। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 55 दिनों से आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं, जबकि गणतंत्र दिवस नजदीक है और किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कर अपना विरोध जताने के लिए अड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस में कृषि कानूनों को लेकर वार पलटवार का दौर तेज हो गया। दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने भी पहली बैठक की और 21 जनवरी को किसानों से यह कमेटी बातचीत भी करेगी। सवाल उठता है कि किसान आंदोलन करीब 2 महीने से जारी है, लेकिन ना ही राजनीति थम रही है, ना ही समाधान का रास्ता दिख रहा है, अब आगे क्या? पचपन दिन बीते, केंद्र किसानों की 10 बार बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट भी सुलह के लिए कोशिश कर रही है, कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया है, लेकिन किसान ट्रैक्टर चलाने के लिए अड़े हुए हैं और सुलह की सुबह नहीं आ पा रही है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस से किसान आंदोलन को हवा देने के लिए सवाल कर डाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाल किए हैं, किसानों को कब तक गुमराह करेंगे राहुल गांधी? एपीएमसी मंडियों को लेकर झूठ क्यों फैला रहे हैं राहुल गांधी? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने क्यों रोका? लेकिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सवालों का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी 2 टूक जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। लेकिन किसान नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए। न हम किसी से समर्थन मांग रहे हैं और न किसी का समर्थन चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की पहली बैठक के बाद 21 तारीख को कमेटी किसानों से बात करेगी, जबकि किसान पुलिस की बैठक में ट्रैक्टर मार्च पर बैठक आगे जारी रहेगी। लेकिन 26 जनवरी को जहां देश एक तरफ गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उसी दौरान ट्रैक्टर मार्च निकालने पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रैक्टर रैली के लिए क्या रूट आपने तैयार किया, क्या आपसे बात? हम रिंग रोड पर रहेंगे, जो आउटर रिंग रोड है उस पर हम रहेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के किसान आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सराहना की है। हर चुनौती का सामना दिल्ली पुलिस ने बखूबी किया है। देश की बहस में मंथन हो रहा है कि 55 दिन बीत गए, सुप्रीम कोर्ट भी सुलह कराने की कवायद में कमेटी गठित कर चुकी है और कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन किसान और केंद्र के बीच अब तक बातचीत का ट्रैक्टर चल भी रहा है और राजनीतिक हलचल भी। सवाल है, ऐसा कब तक? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अगर कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो छोटा सा वीडियो बनाकर 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। सीधे सबसे पहले सीधी टक्कर होगी। दो मेहमान मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी मेरे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं। मैं बता दूं, हम दोनों को एक एक मिनट देंगे ताकि कोई एक दूसरे पर ना बोले। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दोनों से कि कोई एक दूसरे पर ना बोले और साथ ही साथ एक एक मिनट पर आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। आपका टाइमर चलेगा ताकि किसी को कोई किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। सबसे पहले डॉक्टर त्रिवेदी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मुझे बताइए कि क्या किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालना है देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इससे गणतंत्र दिवस की गरिमा भंग हो सकती है? क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पैरेलल मार्च या पैरेलल परेड निकली हो 26 जनवरी के दिन। देखिए, कुछ चीजें राष्ट्र के स्थापित मानबिंदु होते हैं और
घनघोर से घनघोर मतभेद में भी यह कार्य नहीं किया जाता। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, मीडिया को बंद कर दिया गया था और सभी लोगों के मूल अधिकार नागरिकों के छीन लिए गए थे, अर्थात आपातकाल में भी कभी हम लोगों ने 15 अगस्त से 26 जनवरी को कोई प्रदर्शन नहीं किया। 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र का पर्व है, हर व्यक्ति उत्साह से मनाता है, झंडारोहण किया जाता है, हम लोग अपने अपने संस्थानों में, घरों में, कार्यालयों में, सब जगह झंडारोहण करते हैं, तो इसलिए झंडारोहण करने में कोई समस्या नहीं। परंतु यदि पैरेलल मार्च निकालने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इससे राष्ट्र की गरिमा पर और राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर एक असर पड़ता है। और फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ट्रैक्टर मार्च निकालना है ना, ट्रैक्टर कितने किसानों के पास है, केवल 43 लाख किसानों के पास, और आंदोलनकारी किसान खुद कहते हैं 62 करोड़ किसान है, तो कभी उनका भी तो विचार करिए जिन्होंने कभी ट्रैक्टर नहीं देखे हैं, जिनके पास गाय बैल की जोड़ी तक ढंग से नहीं है, और इनकी गौरव बल्लभ जी की पार्टी कहती थी 2/3 किसानों के पास 2 जून का खाना नहीं है, तो वो किसान है या जो 6 महीने का राशन लेके बैठे हुए वो समान किसान? ठीक है, सीधे गौरव जी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये ट्रैक्टर मार्च होना चाहिए? क्योंकि जो सवाल सुधांशु जी ने उठाए हैं उसमें भी एक लॉजिक है कि भाई राष्ट्रीय मान्य परंपराओं के साथ किसी भी तरह का सम्मान ना हो। आज सिख फॉर जस्टिस वाले धमकी दे रहे हैं कनाडा के अंदर बैठकर कि भाई हम तो बिजली काट देंगे, हम तो बवाल करेंगे, और आपने देखा है उनके समर्थन वाले पोस्टर लगे थे कुछ ट्रैक्टरों पर जब पिछली बार ट्रैक्टर मार्च हुआ था। देखिए, गणतंत्र का पर्व हर हिंदुस्तानी के लिए, हर देशवासी के लिए सर्वोपरि है, हर देशवासी उसको मनाना चाहता है। किसान भी तो यही कह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर पे हम कोई हमारी यूनियन का झंडा थोड़ी लेके जा रहे हैं, हम तो भारत का तिरंगा लेके चल रहे हैं। और किसान भी यही कह रहे हैं कि भाई कोई सरकारी कार्यक्रम, कोई परेड, उसमें कोई डिस्टर्बेंस की कोई बात ही नहीं हो रहा, हर व्यक्ति तिरंगा लेके चल रहा है। मुझे याद है मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, हमारी स्कूल के सब हम बच्चे साइकिल पे मार्च निकाला करते थे 26 जनवरी के दिन। सुधांशु जी, शायद आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ, और अपने साइकिल के आगे एक छोटा सा तिरंगा मिलता था स्कूल में, वो बांध के साइकिल से पूरे शहर में घूमते थे, छोटा शहर था। तो किसान अगर गणतंत्र मनाना चाह रहे हैं तो आप कितनी घबराहट क्यों है, वो ये बताना चाहते हैं आपको कि जो आपने उनके लिए अपशब्द उपयोग करे, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चीनी, हलुए, वो हलुए नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो खालिस्तानी नहीं है, वो इस महान देश के महान नागरिक है, वो हमारे अन्नदाता है। ठीक है गौरव जी, आपका 1 मिनट पूरा हुआ, इसी सवाल को लेकर सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने उन आंदोलन करत किसानों को यह संज्ञा देकर उनका अपमान किया? देखिए, हमने किसी को संज्ञा नहीं दी, मगर सिर्फ 2 तथ्य सामने रखे। महात्मा गांधी की वॉशिंगटन डीसी में प्रतिमा, जो भारत की एम्बेसी के पास मैसाचुसेट्स एवेन्यू में है, अपमानजनक व्यवहार किया गया और तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया और गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारियों के मुंह से चू नहीं निकला। क्या यह सत्य नहीं है कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो इस तरह का एक वक्तव्य आया था कि इंदिरा गांधी को हमने खत्म कर दिया था, अब मोदी को भी देख लेंगे? अरे मेरे भाई, इंदिरा गांधी का नाती चल रहा है, क्या हो गया? इंदिरा को भी भूल गए, गांधी को भी भूल गए? इतना जरूरत के वक्त पर राजनीति के हिसाब से वंदियत कैफियत बदलनी नहीं चाहिए, इस विषय के ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरा, जो गौरव बल्लभ जी ने कहा, अच्छी बात, मान्यवर हम लोग मार्च नहीं निकालते थे, प्रभात फेरी होती सुबेरे सुबेरे, उसे रैली शब्द नहीं कहते थे, प्रभात फेरी होती थी और वो संस्थान से लेके, और वो बच्चे निकालते थे स्कूल के, प्रभात फेरी किसान नहीं निकालते थे, और निकालिए उसमें भी कोई समस्या नहीं, प्रभात फेरी निकालिए, प्रभात फेरी स्थापित शब्द है, रैली क्यों है? ठीक है, रैली क्यों सुधां गौरव वल्लभ जी? और आपको नहीं लगता कि अगर किसानों को इस तरह से पॉलिटिकल मोहरा बनाया जाता रहा जैसा दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लगता उससे समाधान का रास्ता नहीं निकलेगा? अन्नदाता उल्टे और परेशान ही होंगे और स्टैंड में बैठे रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल सा बन गया है। दीपक जी, मुझे ये नहीं पता कि माननीय सुधांशु जी माननीय गृह मंत्री का इतना अपमान टीवी शो में आके क्यों कर, ये कह रहे हैं वहां खालिस्तानी के झंडे लग रहे थे। अरे माननीय गृह मंत्री जी को बताइए ना, और जो देशद्रोही है उसको जेल में डालिए ना। आप कह रहे थे पीस फॉर जस्टिस, पता नहीं कोई संगठन का आपने नाम लिया कि वहां की हमने देखा, अरे माननीय गृह मंत्री को बताइए, क्यों नहीं आप उनको ये रिपोर्ट देते, क्यों नहीं कार्रवाई कराते? जहां किसान बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, गृह मंत्री के पास रिपोर्ट नहीं है और आपके पास है। दूसरी बात, गणतंत्र का पर्व मनाने में आपको इतनी क्या सुविधा है?
जब किसान अपने हक की मांग के लिए वो 26 जनवरी के दिन अपनी मांग नहीं कर रहा, वो तो तिरंगा लेके चल रहा है। और बार बार मैंने पूछा कि जब खट्टर जी ने उनको खालिस्तानी बोला तो क्या आपने ट्वीट करके बोला कि खट्टर जी ने गलत किया? क्या नरेंद्र मोदी जी ने बोला? क्या नरेंद्र तोमर जी ने बोला? जब पीयूष गोयल जी ने किसानों को माओवादी बोला तो कोई एक भी बीजेपी के नेता ने उसका खंडन किया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका। छोड़िए भाई, कोई तकनीकी कारण से यदि इनको सुनाई ना पड़ा हो, मैंने कब कहा कि वहां खालिस्तान के झंडे थे? मैंने तो कहा वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर अपमान करते हुए तथाकथित खालिस्तान का झंडा लहराया गया, जिसका जिसके बारे में उद्घाटन करते 2008 में गई थी सोनिया गांधी। एक विज्ञापन निकल गया था, कुछ डिफेमेशन सूट किए थे, $100 मिलियन का, $100 मिलियन का डिफेमेशन सूट, और यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के ऊपर हो गया चुप्पी। अब अगर इस पर सुनाई पड़ गया हो गौरव बल्लभ जी, तो अब इसका जवाब दे दीजिएगा। और इंदिरा जी की हत्या के बारे में जो बोला गया था उस पर क्यों साफ सुन गया आपको, इस पर बोल दीजिएगा। हमने तो कभी नहीं कहा, परंतु यह भी मान लीजिएगा कि वो जिनको आप कह रहे हैं माओवादी नहीं बोला, ये वारावारा राव तो इंदिरा जी की सरकार में 3 बार जेल गए थे, राजीव गांधी नरसिम्हा राव तो छोड़ दीजिए, ये आपको कब से तथाकथित बुद्धिजीवी लगने लगे? गजब है भाई, आपकी सरकार में वो नक्सलवादी है और हमारी सरकार में आते ही वो बुद्धिजीवी हो जाते हैं। इस प्रकार का जो आप विचित्र कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या लेना देना है सीए के आंदोलनकारियों और इस किसान आंदोलन के? ठीक है गौरव वल्लभ जी, सवाल तो ये बनता है कि सीएए के आंदोलनकारियों के समर्थन में वहां पर पोस्टर दिखाई दिए, वरावरा राव के समर्थन में पोस्टर दिखाई दिए, और मैं संगठन का नाम लेता हूं, वो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा ने वो पोस्टर लगाए थे और उन्होंने माना और उन्होंने एक चार्टर भी पेश किया कि इस किसान आंदोलन में हम शामिल है, उनको किसी ने किसान आंदोलन से हटाया नहीं अभी तक। कल दीपक जी, आप, मैं और सुधांशु जी, अपन तीनों चिंगू बॉर्डर चलते हैं, और वहां पे अगर आप मुझे एक भी, क्योंकि सुधांशु जी आप जाते नहीं हो, ना मेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हो, ना चलते हो आप वहां पे, आप वहां चलिए, और अगर आपको वहां लगे कि ये देशद्रोही है, ये वो खालिस्तानी है, अगर आपको ये लगे कि वो देशद्रोही है तो बताइएगा, आप चलिए ना मेरे साथ कल, तो आप दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। फिर आपने एक सवाल उठाया, आपने ये पूछा कि भाई ये किसानों से आपकी क्या हमदर्दी, मैंने आप सवाल पूछा, विपक्ष को ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एमएसपी किसान को मिल जाए तो उसमें आपको क्या खराबी लग रही? आप एमएसपी को लीगल राइट क्यों नहीं देना चाहते? टेक्निकली बताइए ना कि लीगल राइट देने से सरकार को ये घाटा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को ये घाटा हो जाएगा, बताइए ना कि एक लॉ के अंदर एमएसपी का लीगल राइट क्यों नहीं लिखा जा सकता? और सुधांशु जी, एक भी ऐसे कानून का नाम बता दीजिए तो पारित होने के 2 महीने के अंदर 18 संशोधन के लिए सरकार तैयार हो जाए। आजाद हिंदुस्तान के एक कानून का नाम बताइए जो पारित होने के 2 महीने में 18 संशोधन के लिए सरकार तैयार। मेरे क्या सुधांशु जी, ये जो पॉइंट उन्होंने उठाया कि 18 संशोधन के लिए आप राजी हैं, क्या ये सरकार की कमजोरी है? गौरव वल्लभ जी यही पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं। पहले तो मैं कह दूं, मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी हमदर्दी क्यों है। और दीपक जी, तीसरे चरण की वार्ता हो गई वॉशिंगटन डीसी में, गांधी जी की प्रतिमा, गांधी की हत्या पे जवाब नहीं आया, समझ में आ गया जरूरत के वक्त अपना बाप तक बदल लेना पड़ता है। खैर, अब मैं बता रहा हूं कि आपने संशोधन की बात कही तो मान्यवर, इस प्रकार के तर्क जो लोग देते हैं, तो 100 से अधिक संशोधन भारत के संविधान में हो चुके हैं 70 साल से कम के समय में, यानी हर 8 महीने में एक संशोधन हुआ है, तो उसके हिसाब से संविधान बदल देना चाहिए। इसलिए कम से कम जिन्होंने 56 साल इस देश में हुकूमत की है उनको इस प्रकार के अवैज्ञानिक, अतार्किक और मूर्खतापूर्ण शब्द नहीं करने चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि गौरव वल्लभ जी एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, परंतु अब मजबूरी है कि राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं तो ये बोलना पड़ता है। और मैं एक और बात कहूं, एमएसपी लीगल की बात, तो रणदीप सुरजेवाला जी ने यह कहा कि यह नियम बनाने का केंद्र को अधिकार ही नहीं था, यह नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अब आप बताइए, यदि आप रणदीप सुरजेवाला की बात से सहमत हैं तो आप राज्य में बनवाइए, और अगर आप हमसे कह रहे हैं तो कहिए सुरजेवाला ने गलत बोला। जवाब गौरव वल्लभ जी। जी दीपक जी, पंजाब सरकार ने जो उनकी असेंबली है उसमें पारित करके कानून बना के उसको भेज दिया राज्यपाल को,
महामहिम उसको क्यों नहीं साइन करके भेज देते सुधांशु जी, महामहिम को एक फोन लगवाइए ना गृह मंत्रालय से कि भाई पंजाब सरकार ने जो असेंबली में कानून पारित किया उसको पास कर दे, तो आपका भी पता चल जाएगा कि आप कितना संघीय ढांचे में विश्वास करते हो, आपके आप कितने स्टेट और यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में विश्वास करते हो। और दूसरी बात मैं फिर पूछ रहा हूँ, एमएसपी की लीगल गारंटी देने से भारत सरकार को क्या घाटा हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या घाटा हो जाएगा? अब मैं बता देता हूँ सुधांशु, भारत सरकार को घाटा नहीं होगा, पर आपके जो दो सूट बूट के दोस्त है ना, जिनको आप 25 लाख करोड़ रुपए की खेती देना चाहते हो, वो औने पौने दामों में किसान की फसल नहीं खरीद पाएंगे, ये घाटा हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे बार बार पूछा कि एमएसपी की लीगल राइट देने में क्या तकलीफ। और तीसरी बात, आपने संविधान का उदाहरण दिया, 18 संशोधन 2 महीने में। भाई दीपक जी, अगर एक मिनट के बाद, ठीक है एक मिनट के बाद, गौरव जी रुकना पड़ेगा, आप दूसरा पॉइंट बाद में ले सकते हैं, लेकिन मैं सीधे चलूंगा, मेरे शो का फॉर्मेट आपको पता है, हरनेक सिंह जी फिरोजपुर से एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरनेक सिंह जी, आप दोनों की बहस सुन रहे हैं, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, क्या आंदोलन वाकई सही है और ट्रैक्टर मार्च होना चाहिए 26 तारीख को? देखिए, जब ये इस ट्रैक्टर मार्च की बात हो रही है तो ट्रैक्टर मार्च में किसान बोल रहे हैं कि 26 जनवरी एक विशेष दिन है, ऐतिहासिक दिन है। हमारे यहाँ एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान। हम लोग समझते हैं कि जय जवान भी जय किसान के बाद आता है, क्योंकि किसान पैदा करता है तो जवान वो खाना खा के देश की रक्षा करता। तो जब देश का जवान परेड कर रहा है 26 जनवरी को, तो किसान को हक क्यों नहीं है कि वो भी उस दिन अपनी परेड करे? ठीक है सिंह साहब, आपके इसी पॉइंट से मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, आपके इसी पॉइंट से मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सुधांशु जी वापस डिबेट में लौटते हुए, उनका जो तर्क है हरनेक सिंह जी का, वो तर्क अपनी जगह वाजिब है, लेकिन वो बार बार आपसे ये पूछ रहे हैं कि एमएसपी की लिखित गारंटी देने में सरकार को प्रॉब्लम क्या है, और क्या वाकई ये कृषि कानून दो व्यापारियों को, जो ये कहते हैं अडानी अंबानी और जो इनकी कोरस होता है बाद में बाकी राजनीतिक दलों का, उनके लिए लाए गए हैं? एमएसपी यथावत है, सरकार ये लिखित गारंटी दे रही है, कोई समस्या नहीं है, और एमएसपी के ऊपर चीज खरीदी जा रही है। एमएसपी से कम पे बिक रही हो तो मंडी में बेचिए, ज्यादा मिल रही हो बाजार में तब जाके बेचिए। और ये बताइए, डीजल को तो कर दिया खुले बाजार के हवाले, 91 के बाद सारी व्यवस्थाएं खुले बाजार के हवाले, और आप कह रहे हैं कि एमएसपी जो है, भाई सरकार बाजार में मूल्य नहीं तय कर सकती, सरकार अपना मूल्य तय कर सकती। आप ये तय कर सकते हैं कि साहब हम कितनी तनख्वाह देंगे, बाहर वालों को कितनी तनख्वाह मिलेगी वो अलग है। और दूसरी बात, ये तो ऐसे कहते हैं अंबानी अडानी 2014 से पहले तो रेडी पटरी वाले थे, उसके बाद बड़े हो गए। ये बताइए, रिलायंस ने अभी निकाला था शरद पवार के जन्मदिन के ऊपर, हमारे लिए निकाला कि आपकी सरकार के लिए निकाला? और दूसरी बात, अडानी को सबसे पहले FCI का प्रोक्योरमेंट कब मिला? 2005 में मिला, UPA1 सरकार में मिला, 7 राज्यों के लिए मिला, और 15 साल के मिले 2007 से 22, और 12% एश्योर मुनाफे के साथ मिला। अब आप समझे, और दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल फूड की नेस्ले और दूसरी पेप्सी, दोनों को आप लेके आए हिंदुस्तान में। ठीक है गौरव जी, मेरा सीधा सवाल, वाकई एक लॉजिकल सवाल है कि आप अडानी अंबानी सूट बूट की सरकार, आप भी कोई भी राजनीतिक नारा लगा सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अडानी अंबानी ये तो कई सालों की प्रक्रिया के बाद अडानी अंबानी बने हैं ना, उसमें कांग्रेस सरकारों की ओपनिंग अप इकोनॉमी का भी रोल रहा, बाकी चीजों का भी रोल रहा। मेरा सीधा सवाल यह है कि पॉलिटिकल जार्गन के लिए क्या ये कहना कि देश की खेती को सिर्फ दो उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिया जाएगा, क्या यह देश इतना कमजोर है? दीपक जी आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। दीपक जी मुझे ये बताइए, कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था की GDP जब -23.9% से Q1 में गिरी, -7.5% से Q2 में गिरी, उस दौरान जिन दो सज्जनों का आपने नाम लिया उनकी पर्सनल वेल्थ 25% से कैसे बढ़ जाती है? उस गति से पिछले 6 साल में दूसरे उद्योगपतियों की वेल्थ क्यों नहीं बढ़ती है? मैं आपसे वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ, और ये द इकोनॉमिस्ट का डाटा दे रहा हूँ,
कि ये जो दो सज्जन हैं, जो प्रधानमंत्री के एक राइट में एक लेफ्ट में, ये दो सज्जन की संपत्तियां क्यों बढ़ती है? जो दूसरे उद्योग घराने नहीं है क्या देश में? उनसे बड़े हैं पर उनकी संपत्तियां नहीं बढ़ती है। देश के और उद्योगपति को कोई फायदा नहीं होता है। सारे ठेके हवाई जहाज से लेके कोयला तक, आप समुद्र से लेके आप देख लो रेलों तक, सारी चीजें दो जनों को ही क्यों मिलती है? क्या दो जनों का ही, दो उद्योगपतियों का ही देश में हक है क्या? हवाई अड्डा मिलता है तो अडानी को मिलता है, अगर रेलवे चलती है तो अडानी चलाता है, अगर समुद्र में अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन लिखेगा तो अडानी खरीदता क्यों भाई? सुधांशु जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है भाई, अडानी अंबानी की वेल्थ बढ़ गई मार्केट से, तो गौरव जी कह रहे कि क्यों बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? गौरव भाई, आप भी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, आप भी जानते हैं इकोनॉमिक्स में वेल्थ कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा यहाँ पर लॉजिकल सवाल जो आपसे ये है वो ये है कि भाई क्या ये वाकई सही है कि अडानी आपके राइट हैं और अंबानी आपके लेफ्ट? क्या ऐसे ही सरकार चलती है मोदी सरकार? बता रहा हूं क्योंकि एक राजनीतिक आरोप है। गौरव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिर मैं कह रहा हूं पता नहीं कैसे आज ही इफेक्ट आ गया है। इस समय सारी व्यवस्थाएं नीचे गई पर टेलीकॉम सेक्टर आगे गया है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हुआ है सबको, तो जो जो कंपनियां टेलीकॉम में थी सबको फायदा हुआ है, केवल उन्हीं को नहीं। दूसरी बात, आपने बड़ी बात कही है, अडानी को ड्राई पोर्ट कब मिला था? हमारे जमाने में मिला था क्या? आपके जमाने में मिला था, और वो पोर्ट 2014 तक फायदे में चलता रहा और बगल का सरकारी पोर्ट घाटे में चलता रहा गुजरात में। जब हमारी सरकार आई तो सरकारी पोर्ट फायदे में हो गया और अडानी का पोर्ट लॉस में हो गया। और जहां तक आपने अंबानी की बात कही तो 1970 के दशक में पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का एक्सक्लूसिव राइट, बनाएंगे भी वही बेचेंगे भी वही, किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। उसके बाद 77 में सरकार गई, लौट के फिर आ गई तो विमल का कपड़ा याद करिए, बॉम्बे टाइम्स से ऊपर एक्सक्लूसिव राइट किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। बीपी सिंह की सरकार आई, शेयर डाउन हो गए रिलायंस के, आपको अर्थशास्त्री है। 91 में जैसे ही चंद्रशेखर की सरकार बनी राजीव गांधी के सपोर्ट से, फिर शेयर अप हो गए और 91 के बाद तो जलवाये जलान हो गया, सब कुछ माला माल हो गया और यहाँ हमसे सवाल हो गया। गौरव जी जवाब, ये भी एक हकीकत है, तस्वीर का एक पहलू ये भी है। दीपक जी, मैंने तो एक पॉइंट बाई पॉइंट डाटा दिया, मुझे एक दूसरे औद्योगिक घराने का उदाहरण दीजिए देश के जिनकी पर्सनल वेल्थ पिछले 6 साल में इनसे आधी भी बढ़ी हो, और रेट रेट की बात कर रहा हूं जो आधी भी गति से बढ़ी हो, मुझे एक उदाहरण दीजिए। मैं आपके चैनल पे सुधांशु जी को चैलेंज करता हूँ। अच्छा, मैं दे सकता हूँ सर, मैं दे सकता हूँ एक उदाहरण। 6 साल में बड़े उद्योग में, अच्छा आप कंप्लीट करिए फिर मैं बोलता हूँ। जी जी जी, एक भी उदाहरण दीजिए। फिर एमएसपी की बात मैंने इनको बोला, लिखित नहीं, शायद सुधांशु जी ने मेरी बात भी सुनी नहीं। मैंने कहा लीगल गारंटी देने में क्या समस्या है? सुधांशु जी, एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसके ऊपर मिलेगा तो किसान को मिल जाएगा। अगर मैं आपके तर्कों को आगे ले जाऊं सुधांशु जी, तो मिनिमम वेजेस क्यों देते हो? आप कहते हो ना हम तो नहीं दे सकते एमएसपी, आपने कहा लीगल राइट नहीं मिल सकता, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी है, तो फिर मिनिमम वेजेस की व्यवस्था क्यों करते हो? मिनिमम वेजेस भी हटाओगे क्या थोड़े दिनों में? ये आपके मन में है क्या? ठीक है गौरव जी, मैं एक सिर्फ एक राइडर जोड़ना चाहता हूँ। आपने बताया ना किस किस की संपत्ति बढ़ी, एक व्यक्ति जो टॉप 10 में आ गया है भारत में पहली बार, उसका नाम आधार पूनावाला है, और वो इसलिए क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन बना रहा है, इसलिए उनके शेयर बहुत ऊपर गए, उनकी पर्सनल वेल्थ में वो टॉप 10 पे आ गए। इस फैक्ट को आप भी जानते हैं सुधांशु जी। एमएसपी की लीगल गारंटी, फिर उसी पॉइंट पर आ जाते अभी इन्होंने बोला प्रोफेसर गौरव बल्लभ जी, ये मिनिमम वेजेस क्या कानूनन है क्या? ये भी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ना। अच्छा ये बताइए, 100 रुपए का नोट लेते हैं तो 100 रुपए के नोट पे रिटर्न गारंटी है ना कि धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, कि कानून से पारित है। ये चेक आप लेते हैं, ये लीगल गारंटी है कि कानून से पारित है? क्या बात करते हैं भाई, कानून। अच्छा ये बताइए, किसी चीज का अगर ये मूल्य तय कर दे संसद, तो जय बार मूल्य परिवर्तित होगा तय बार संसद कानून पारित करेगी। इस ढंग के मूर्खतापूर्ण और वाहियात तथ्य कहते हैं। अब दूसरा बताता हूं, यदि आपने कानूनन बना दिया, अभी तो क्या है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स में जरा सा पानी गिर गया, नमी आ गई, तो 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बिक जाती है, परंतु यदि 100 की 100 में बिकनी है। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, 20,000 रुपए का मोबाइल है, केवल पन्नी फटी हुई है, कोई ले लेगा 20,000 में? और अगर 20,000 की कानूनी बाध्यता हो तो या तो 20,000 या वो डब्बा हो गया,
पिछड़े वाले को तो मार दिया साहब आपने, इसलिए इस तरह की बात करना किसानों के लिए अत्यंत घातक है। और गौरव बल्लभ जी ऐसे अर्थशास्त्री के मुंह से तो सुनना मुझे बहुत आत्मघातक लगता है। ठीक है गौरव जी, आपका जवाब, फिर एक दूसरे मुद्दे की तरफ ले चलूंगा, मेरे पास आखिरी 3 मिनट है, जो राहुल जी ने आज ट्वीट किया है। जी सुधांशु जी, 100 रुपए के नोट पे रिजर्व बैंक का गवर्नर हस्ताक्षर करता, आपने कभी नोट पढ़ा नहीं उस पे रिजर्व बैंक का गवर्नर हस्ताक्षर, अरे सुन तो लीजिए, उस पे हस्ताक्षर करता और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट संसद से पारित, उसको वो अधिकार दिया गया, आरबीआई एक्ट है भाई साहब, थोड़ा पढ़ लीजिए। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। फिर आपने कहा कि हम एमएसपी देने से तो सब गड़बड़ा जाएगा, ये कानूनन ये नहीं हो पाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने से। मैं आपको तरीका बताता हूँ, सीएसईपी को जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग है ना, उसको वैधानिक दर्जा दीजिए, कानून में ये लिखिए कि प्रति में सीएसईपी एमएसपी कर डिसाइड करेगी, उस एमएसपी से कम। अगर कोई भी आपका दोस्त भी आपका दाएं बाया वाला दोनों में से कोई भी खरीदेगा तो भी जेल जाएगा, ऐसी व्यवस्था करिए, ये लिखना पड़ेगा भाई साहब आपको। फिर आपने कहा पन्नी फट जाए, अरे भैया पन्नी फट जाए तो उसमें लिख दीजिए कि जिस मोबाइल की पन्नी फटी हुई होगी उसका दाम 10% कम होगा। आपको सारी चीजें बता दी मैंने। ठीक है, मैं दूसरे मुद्दे की तरफ चलूं, आप जवाब उसमें जोड़ दीजिएगा। आप ये राहुल गांधी का आज का ट्वीट है, संदर्भ ये है कि इस पर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर, और उन्होंने एक अखबार की खबर पोस्ट की है जो अरुणाचल में चीनी कस्बे बनाए जाने की बात कर रहा है। अरुणाचल में चीन के गांव बसाने की खबर शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री जी आपके वादे का क्या हुआ। सुधांशु जी, क्या अरुणाचल में कोई चीन ने गांव बना लिया है? देखिए यही तो बहुत बड़ी समस्या है, चीन के साथ करार, चीन के साथ व्यापार करने वालों को गांव ही नजर आता है। जिस इलाके की बात कर रहे हैं वो तो अगर आप 1959 अगस्त का जवाहरलाल नेहरू का बयान देख लें तो वो पहले ही उस जमाने में मान चुके हैं कि इलाका उस जमाने से चीन का है, कोई आज का थोड़ी है। विदेश मंत्रालय ने बयान भी दे दिया, परंतु आधुनिक श्रवण कुमार, क्योंकि आज के जमाने में तो लोग अपने मां बाप को ही भेज देते हैं ओल्ड एज होम में, जो इतना बड़ा आधुनिक श्रवण कुमार है कि नानी की सेवा करने के लिए 7 समुंदर पार जाके 3 हफ्ते के बाद 7 या 21 दिन के बाद लौट के आए हैं और अचानक उनको एक बड़ा जबरदस्त ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने आके बोलना शुरू किया, इसमें कुछ भी नया नहीं है भाई। अगर ये बहुत ईमानदार है तो आज तक इन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किए हुए अपने करार को अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड कर, जवाब दीजिए। आप इस चीज का कोई जवाब नहीं देते। और आपने अभी जो एमएसपी बोला था, एक लाइन बोल दूं, आपके मुंह से निकल ही गया ना कि आरबीआई पार्लियामेंट टैक्स से है और वो गारंटी देती, वैसे ही एपीएमसी एक्ट से है और वह गारंटी देती है, समझ गए ना? अभी आपको असुविधा हुई हो तो फिर भाई राहुल गांधी से पूछ लीजिएगा। ठीक है गौरव जी, जवाब अब मेरे ख्याल से आप दोनों का समय भी खत्म हो रहा था जी। अब मुझे बताइए सीएसईपी क्या कानूनी एक्ट में है क्या भाई साहब? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग जो एमएसपी निर्धारित करता है वो कानूनी एक्ट में नहीं है। आप सांसद होके सुधांशु जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्या कंपल्शन है आपके ऊपर, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने आपसे पूछा कि एमएसपी को लीगल राइट देने में क्या समस्या है, आप क्यों नहीं देना चाहते? आप कहते हो हम मिनिमम नहीं देना चाहते, अरे मिनिमम के ऊपर मिलेगा तो बेच देगा। कभी कहते हो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हुई तो कैसे, अरे उसमें लिख दीजिए कि भाई क्वालिटी वाइज ये भाव रहेंगे, उसमें कहां दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आपके मन में कुछ है और आपके दिमाग में कुछ है। आप दिमाग से किसानों को थका के हराना चाहते हो, पर ये हिंदुस्तान के अन्नदाता है भाई साहब, ये ऐसे इतनी जल्दी आपके बहकावे में कुछ नहीं आने वाले। ये अपनी एमएसपी की लीगल गारंटी और इन 3 काले कानूनों को वापस करवा के ही भागेंगे, ये मानेंगे, ये ऐसे नहीं जाने वाले। आपने चीन पे एक भी जवाब नहीं दिया गौरव जी, वापस लिए नहीं। चीन पे बिल्कुल। अब आप ये बताइए चीन पे, दीपक जी, चीन पे 2019 की एक तस्वीर आ रही है और 2020 की एक तस्वीर आ रही है। 19 में वहां कुछ नहीं था, 20 में पूरा गांव बस गया और सुधांशु जी यहाँ भाषण दे रहे, वहां गांव बस गया सुधांशु जी भाषण दे रहे। अरे 1920 की तस्वीरें अखबारों में आ रही है, 19 पे आप
हमारा अधिग्रहण था, वहाँ चीन का चीन के घर नहीं थे, बीच में वहाँ घर बने हुए। आप यहाँ पे कभी बोलते विस्तारवादी, ये पर्यायवाची शब्द का ढोंग बंद कीजिए। चीन को आंखों से आंखें मिला के बोलिए कि चीन तेरी हिमाकत कैसे हुई, ये सिनोनियम्स खेलना बंद कीजिए। कभी चीन का नाम लेने से आपको डर लगता है, हम आपके साथ खड़े सुधान। ठीक है, 20 सेकंड का जवाब सुधांशु जी, आप हाथ उठा रहे हैं। कितना भी हमसे चंदा लिया, भागो यहाँ से। हाँ देखिए, अब बिल्कुल बताते हैं। अरे चंदा तो आपने लिया चीनी कंपनी से, दूसरा सीएसईपी में बड़ी अच्छी बात याद आ गई। सुनिए, सीएसईपी में बड़ी अच्छी बात याद आ गई। 1 मार्च 2011 को सीएसईपी का चेयरमैन कौन बना था? अशोक गुलाटी, मुझे ये आपकी सरकार में बने और आज वो भाजपाई हो गए। भाई वाह, आपने तब नहीं देखा था कि उनका विचार क्या है? उनकी किताब नहीं पढ़ी थी 2007 में, ड्रैगन एंड द एलिफेंट, चाइना और भारत की तुलना में एग्रीकल्चर के मामले में। और तो और बाकी तो मैंने आपसे जो बात कही, 1959 का बयान पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट की वेबसाइट के ऊपर है कि नेहरू ने कहा था कि ये इलाका जा चुका। और भारत सरकार ने आज स्पष्ट कहा है कि चीन ने अपने इलाके में किया है, हमने भी अपने इलाके में किया है। और आपके तो एके एंटोनी बोल चुके हैं, हम अपने इलाके में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, तो वर्षों से स्टेटेड पॉलिटी हमारी पॉलिसी है। गजब है भाई, आपने तो द हिंदू में दुनिया सितंबर 2009 में रिपोर्ट है कि चूंकि दो रिपोर्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख दिया 15 सितंबर 2009 को, FIR करवा दी उनके ऊपर। बात करते हैं, जाके देख लीजिए 15 सितंबर 2009 टाइम्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने कहा कि चीन के सैनिकों ने आके गोलाबारी की है, वो गोलियां चलाई है, घुसपैठ की है, तो उनपे FIR करवा दी। और आके आप भाषण दे रहे हैं। मेरे साथ लग रहा है गौरव वल्लभ जी नहीं है, अफसोस गौरव जी नहीं है। गौरव जी आपका जवाब किसी दूसरे दिन, आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा कट रहा है। मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि आपको भी जाना है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को भी जाना है। मैं अगले पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं जो मेरे साथ जुड़ गया है। नुपुर शर्मा जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के, वो जुड़ गए हैं। लेकिन तीनों मेरे साथ जुड़े हैं, उससे पहले सीधे धीरज शर्मा गाजियाबाद से। धीरज, क्या कहेंगे इस बहस पर? आपको लगता है कि ट्रैक्टर मार्च होना चाहिए 26 तारीख को? दीपक जी, अगर ये ट्रैक्टर मार्च होता है तो ये देश के गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, ये पूरे भारत का गणतंत्र दिवस है, इससे देश की शाख को बट्टा लगेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि राहुल गांधी जी जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, पाकिस्तान की किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब कभी टुकड़े विभाजन की बात आती है, कभी देश के राफेल की बात आती है, कभी देश के वीर जवानों की बात आती है, वो हमेशा अगेंस्ट में बोलते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, कभी किसी मुद्दे पर भी उन्होंने देश के जवानों को, देश के किसानों को, देश के विज्ञानों को कभी सराहना तो नहीं कही। पर अब बोले भाले किसानों का जिस तरीके से वो मिसयूज कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो ओछी राजनीति है, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मनजिंदर सिंह सिरसा, आपका व्यक्तिगत विचार है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लीडर अकाली दल हमारे साथ जुड़ गए, मैं सीधे चलता हूं यहां से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास और सबसे पहले सिरसा जी के पास, फिर मैं चलूंगा नुपुर जी के पास। सिरसा जी, क्या आपको नहीं लगता कि ट्रैक्टर मार्च, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैरेलल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई इस तरह का मार्च निकला हो? आप जैसे लोगों को जो समझदार है उनको समझाना चाहिए कि भाई ये ट्रैक्टर मार्च ना हो, बेहतर है देश के लिए। और कुछ लोग बैठ के कनाडा में बोल रहे हैं कि लाइट काट देंगे, बिजली काट देंगे, ये कर देंगे, खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, और ये वही लोग हैं जो कृषक कानून का समर्थन कर रहे हैं यूरोप में, फ्रांस में, अमेरिका में, इटली में, सभी जगह। दीपक जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात ऐसा है, अब आपका टीवी चैनल है न्यूज़ नेशन, इस पर बहुत सारे लोग इसकी वीडियो देखते हैं, इसकी खबरें सुनते हैं और आपका समर्थन भी करते हैं अलग अलग टाइम पे। इसका मतलब ये नहीं है वो जो सब कुछ कहते हैं वो आपका टीवी चैनल बोलता है। आप पहले कह देते हैं कि ये विचार हमारे नहीं है, ना कोई बिजली काटने का विचार है, ना कोई झंडा फहराने का है, ना कोई तोड़फोड़ करने का है, ना कोई किसी के टकराव में आने का है, और ना ही किसानों ने बड़ा स्पष्ट कह दिया हमारी परेड को पैरेलल परेड नहीं है, हमारा टाइम अलग है। जो उन्होंने किसान जत्थेबंदियों ने या किसान संगठनों ने अब तक स्पष्ट कर दिया, बहुत क्लियर क्लैरिटी से उन्होंने बातें 3-4 कही हैं। मैं राजेवाल जी को सुन रहा था क्योंकि मैं उनका आधिकारिक स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी बात जो सुनी है, उन्होंने 3 बातें स्टेज से कही। एक उन्होंने ये कहा
कि हम कोई किसी पे झंडा लगाने अपना किसी का उतारने नहीं जा रहे, हम कोई लाल किले नहीं जा रहे, हम कोई पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे, हमारी परेड है, हम 26 जनवरी की परेड में परेड कर रहे हैं 26 जनवरी को, लेकिन परेड के अंदर परेड कर रहे हैं ऐसा तो उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, जो मैंने सुना उन्होंने स्पष्ट कहा, इसको क्लेरिफाई किया, और यह भी मैंने सुना उन्होंने जब कहा कि हमारा टाइम भी जो है वो 11 बजे के बाद का है। अब सबसे बड़ी पहले विषय ये है, ये सिचुएशन ही क्यों आ रही है दीपक जी, हम बेसिकली क्या एक माहौल बनाना चाहते हैं कि ये देशद्रोही आ गए, देश तोड़ना आ गया, बेसिकली ये माहौल बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। अब बताइए आज 60 दिन होने को आ जाएंगे और 2-3 दिन में, तो क्या अभी तक कौन सा देश तोड़ने की बात कर दी? कोई आदमी अमेरिका में इंग्लैंड में किसी चीज़ पे नारा लगाता है और वो किसान की बात साथ में कह देता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसानों का आधिकारिक बयान हो गया या किसान जत्थेबंदियों के स्टेज से कभी कहा गया, उस स्टेज में स्टेज ने उसको ना नकारा, उस स्टेज ने यहाँ तक भी स्पष्ट कर दिया हमारा केवल और केवल एक ही एजेंडा है, किसानी किसानी और किसानी। अब उसके बाद कोई कुछ बोले जाए, लाइट काटेगा नहीं काटेगा तो पुलिस कार्रवाई करे, हम तो बड़ा स्पष्ट बात कहते हैं, हम अभी मैं आपके टीवी चैनल पर आपकी बातें सुन रहा था, इससे पहले भी अभी बात हो रही थी चीन के मसले को लेके या कुछ भी, मैं हम किसी अगर मान लीजिए कांग्रेस ने किसानों की सपोर्ट की और उसी टाइम कांग्रेस ने ये कहा कि चीन के मसले पे देश को छोटा दिखाने की बात कही, तो हम इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसान देश को छोटा दिखाने की बात कर रहे हैं, नहीं, हम किसान देश के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े रहेंगे, लड़े हैं मरे हैं देश के लिए मरेंगे, लेकिन किसानी के साथ किसानी की बात जब आएगी तो अपने देश के अंदर देश की सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के खिलाफ नहीं, ठीक है। तो इसको जो देश के खिलाफ प्रोजेक्ट किया जाता है वो गलत है, सरकार के खिलाफ हर कोई अपनी बात रखता है, ऑपोजिशन की पार्टियां हमेशा अपनी बात रखती हैं और मसलों पे विरोध होना होना स्वाभाविक है। बीजेपी की सरकार थी तब उनका भी बड़ा, जब नहीं थी सरकार तो उनका भी बहुत सारा विरोध रहता था, और राजनाथ जी खुद किसानी के मुद्दे पर विरोध करते हुए वहां पे यहां गए थे, उत्तर प्रदेश में गए थे, तो क्या इसका मतलब देश विरोधी हो गए? ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों को देश विरोधी प्रोजेक्ट कर रही है बाहर की शक्तियों के साथ, बाहर की ताकतों के साथ, सिक्वर जैसे से जोड़कर? नुपुर जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार दीपक जी, बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात, अगर देश विरोधी समझती भारतीय जनता पार्टी तो लगभग 10 राउंड बातचीत के क्यों करती, देश विरोधी ताकतों से बात कर लेती क्या? जो आज देश की सरकार में कटाक्षित तरीके से एक मंत्री पद पे बैठे हुए लोग हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री तक मिले हैं, तो मैं तो पूछना चाहती हूँ किस तरीके का ये ऑब्जर्वेशन है इन लोगों का, लेकिन आप इस चीज को कैसे झुठलाएंगे? मैं एक अखबार की आपको कटिंग दिखाना चाह रही हूँ, और जरा इस पे जरा अगर आपका थोड़ा कैमरा पैन करेगा तो गौर फरमाइएगा। ये है 11 दिन पहले की खबर और ये अखबार में से है, जो कहती है किसान आंदोलन में खालिस्तान के समर्थन का आरोप, भिंडरनवाले की तारीफ करती वाली करने वाली किताबें बांटी गई। अब आप बता दीजिए मुझे कि ये क्या हो रहा है, क्या ये मुझे समझाइए, क्या ये क्या इसको क्या समझा जाए? और मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसान कांग्रेस के जॉइंट कोऑर्डिनेटर जो हैं, उनका नाम पड़ता है गुरसिमरन सिंह मंड, उनका परसों का बयान ये है दीपक जी, और उनको प्रोटेक्टिव बना रखा है कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब की सरकार ने, राष्ट्रीय पदाधिकारी है कांग्रेस पार्टी के, उनका बयान ये है और जो उन्होंने पुलिस में दर्ज कराया है, 9 PSO और एक पायलट कार के साथ चलने वाला आदमी, कि इन प्रोटेस्ट के अंदर खालिस्तानी और भिंडरन वाले सपोर्टर्स के लोगों की कागार बढ़ गई है, तो ये खालिस्तानी सपोर्टर इन किसानों के बीच में क्या कर रहे हैं? तीसरी बात, एक गायक है बड़े, जाके बैठ तो गए थे इनके बीच में, हु हल्ला भी मचाया था, शायद किसानी से कोई लेन देन नहीं है उनका, उनके लिए चलिए जी SAD तो छोड़िए, लेकिन कांग्रेस के खुद के दिग्गज नेता जो सांसद हैं, बारी बारी उन्हें खालिस्तानी बताते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनसे शिकायतें करते हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, क्योंकि सीक्स फॉर जस्टिस और खालिस्तानियों के सपोर्ट में है। अब मैं आती हूं ट्रैक्टर रैली की बात, मैं किसकी बात मानूं दीपक जी बताइए मुझे? मैं उनकी बात मांगू जो संयुक्त किसान मोर्चा या किसान संगठनों के लिए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे चीफ जस्टिस जस्टिस बोबते से कहते हैं 26 जनवरी को हम कोई ट्रैक्टर नहीं निकालेंगे, यहां तक कि अगले दिन जो ऑर्डर दिया गया 13 तारीख को, उसमें चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर में ये बात को नोट किया है। वो जरूर है कि ये भी नोट किया है कि सारे के सारे वकील जो ये किसान संगठनों के तले खड़े थे कल, बहुत जोर शोर से बहस कर रहे थे, या गायब है, मैं किसकी बात सुन? ठीक है, सुरेन जी से जवाब ले लेते हैं इसका। किसकी बात सुरेन जी जवाब?
भाई आप ही के नेता कह रहे हैं कि खालिस्तानी और सिख फॉर जस्टिस के समर्थन वाले आ गए हैं, उन्होंने कोट किया आपके दो नेताओं को बकायदा, और रणवीर सिंह बिट्टू ने तो कहा था कि अगर किसानों की बातें नहीं सुनी गई तो लाशें बिछा देंगे, मेरे ही चैनल पे कहा था। देखिए दीपक भाई, रणवीर सिंह बिट्टू जी के बयान पर तो मेरी आपकी बात हो चुकी है, मैंने आपसे बताया भी था और उन्होंने भी अपने आप को क्लेरिफाई कर दिया था। शहीद परिवार के बेटे हैं और उस दिन काफ़ी बात हो गई थी, लगातार उसको दोहराने से फ़ायदा नहीं। अब मैं आपको आ जाता हूं कि ये देखिए, ये है कांग्रेस, ये कांग्रेस है और ये कांग्रेस के नेता हैं, आप समझिए जाकर के, जिनके लिए देश सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। अगर कहीं कोई अराजक तत्व किसी आंदोलन में आते हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी है, हम उनको सरकार को बताते हैं और सरकार को बता करके कहते हैं कि इन अराजक तत्वों को अलग कीजिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे अभी सिरसा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप ही के चैनल पर क्या आप सारी बातों को ओन करते हैं, जितने लोग बोलते हैं, नहीं करते ना, आप अपनी बात को ओन करते हैं, आप अपने चैनल की बात को ओन करते हैं। दीपक भाई सच बात है तो उसको निकालने का काम जितना मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप कोई बात यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं उसके लिए मैं लायबल हूँ कोर्ट ऑफ लॉ में, सर उसके लिए मैं लायबल हूँ कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर मेरे फोरम का इस्तेमाल करके कोई भी बात कहता है और मैं उसका प्रसारण करता हूँ, मैं उसके लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार हूँ, भले से मैं डिस्क्लेमर चला दूं। अगर आप कानूनी तौर पर जिम्मेवार हैं तो इससे पहले एक दर्शक ने कहा कि राहुल गांधी किसी पाकिस्तानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उसके ऊपर मुकदमा कर रहा हूं और आपके ऊपर भी मुकदमा करूंगा। बिल्कुल कर दीजिए, स्वतंत्र है, पूरी तरीके से कह रहा हूं मैं, स्वतंत्र आप मुझे उसका नाम पता और एड्रेस दीजिएगा, आपको कानूनी व्यवस्था बता रहा हूं, मूल रूप से उसमें वो बनाऊंगा। सुनिए अभी बात सुन लीजिए पहले, देखिए विषयांतर मत कीजिए मेरा, आप बड़े प्रस्तोता हैं, आपके सामने बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते, मैं तो छोटा सा आदमी, आप समझिए बात को। दूसरी बात आप ये देखिए कि इस बात के लिए तो कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए कि अगर आंदोलन में कहीं कोई गड़बड़ आदमी है तो उसको निकालने का काम, उसको देखने का काम पुलिस का है, सरकार का है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार आंदोलनकारी नेताओं को एनआईए की चिट्ठी भेज रही है और एनआईए का समन भेज रही है। आज तक एनआईए का समन उस सुपारी संपादक को भेजा जिस सुपारी संपादक की वजह से आज पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो गई बालाकोट की स्ट्राइक में, आज तक ये किया सरकार ने? सरकार को शर्म नहीं आती है कि वो जो 2000 पन्ने की चैट है उसमें उस सुपारी संपादक ने जिस जिस के नाम लिए हैं उन सारे नामों का खुलासा हो और वो सुपारी संपादक संपादक का जिक्र क्यों कर रहे हैं सुरेन जी, फांसी तक की सजा मिले मेरे चैनल पर, दूसरे चैनल का जिक्र क्यों कर रहे हैं, छोड़िए ना सर, जो जो करेगा वो भरेगा। संपादक कहा और मैंने कहा कि 40 नेताओं के ऊपर कांग्रेस, सुन लीजिए, किसानों के 40 नेताओं के ऊपर एनआईए का सम्मन जा रहा है दीपक भाई, उस सुपारी संपादक के ऊपर नहीं जा रहा, यह रिश्ता क्या कहलाता है, ये भाजपा बताएगी, ये कौन सा रिश्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जीजा लगते हैं वो, फूफा लगते हैं वो, या चाचा लगते हैं वो, ये तो बताए वो देशद्रोही आदमी भारतीय जनता पार्टी का क्या लगता है, जवाब तो सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी उसको बचाना क्यों चाहती है, क्विकली नूपुर जी 40 सेकंड में, जिस दिन ये बता देंगे कि बरखा दत्त इनकी क्या लगती थी कि राडिया टेप्स के अंदर वो सरकार बना रही थी, जिस दिन ये बता देंगे इन्होंने क्या एक्शन लिया बरखा दत्त के ऊपर, बिल्कुल राडिया टेप में क्या कर रही थी, यानी आप शिखंडी के रूप में रखते हैं, अरड़ो गलत है, अरड़ो के गलत को आप बरखा दत्त और राडिया टेप से कर रहे हैं। मेरे चैनल पे दूसरे चैनल वालों के नाम क्यों डिस्कस हो रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं दोनों को रोक रहा हूँ यहाँ पर, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, प्लीज सोशल मीडिया पे झगड़ लीजिएगा इस बात को लेकर, मेरे पास और दूसरे मुद्दे हैं बात करने के लिए, मैं सीधे रोहित जाखड़ जी के पास चलता हूँ। रोहित जाखड़ जी मुझे बताइए आप कि क्या ट्रैक्टर मार्च को किसानों को रोकना नहीं चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में, ये मेरा एक मन था जो सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। राष्ट्रीय अस्मिता को कहीं भी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, किसान का ट्रैक्टर मार्च किसानों को संगठित तौर पर देश के प्रति समर्पण का है। मेरा कहना आपसे केवल इतना है कि किसान ने कभी भी राष्ट्रवादिता को पिछले पायदान पे नहीं रखा।
सर इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है, सर इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है, इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है, पर जो डेट तय की गई है सवाल उसको लेकर है। आप वो 25 को कर ले, 27 को कर ले, 21 को कर ले, 28 को कर ले, किसी को किसान की देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं है। 26 तारीख एक प्रतीक होता है, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं आपसे। दीपक भाई मैं आपसे इसी चीज की अपेक्षा कर रहा था, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के छात्र रहे हैं और आपसे पारदर्शी पत्रकारिता की, पिछले बहुत बड़े दशक से हम आपकी पारदर्शी पत्रकारिता के मुरीद रहे हैं और आपने जो आज बात कही उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। 26 जनवरी की जो बात है वो पूर्ण रूप से ये है कि 11 बजे के बाद हमारा ट्रैक्टर मार्च चलेगा और अभी कल हमारी संयुक्त मोर्चा की पुनः बैठक है। आज दिल्ली पुलिस ने जो हमें परमिशन देना, रूट वैकल्पिक दिया है, उसके विषय पर कल संयुक्त मोर्चा बैठक करके और पुनः आपके समक्ष अपनी योजना को प्रस्तुत करेगा। चलिए मार्च के बारे में दीपक जी, देखिए 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है ये देश का सबसे बड़ा पर्व है, देश की सेना का शौर्य और पराक्रम दिखाने के लिए पूरी दुनिया को एक ऐसा उत्सव है जिसमें भारत की अपनी सैन्य ताकत पूरी तरह दुनिया के सामने प्रदर्शित की जाती है। ये बहुत बड़ी बात है और जवान और किसान अलग अलग नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं। अन्नदाता देश की सेवा करता है, बच्चे देश की सेवा करते हैं। अन्नदाता में कहीं कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन यदि कोई ऐसा असामाजिक तत्व जो ऐसे मौके की तलाश में होते हैं, मेरा कहना ये है, आपने सही कहा, एक दिन पहले कर लें, एक दिन बाद कर लें, बात आपने से ऐसा रूट तय कर लें जिससे कहीं भी आम जनता का कोई उससे संबंध ना हो, वो एक अलग बात है। अभी कहा कि हमारा संयुक्त उसका जो बात हो रही, देखिए जिस तरीके का उदाहरण सबके सामने है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री की सभा को किस तरह से किया गया, किस तरीके से बातचीत वीडियो सामने आई, अब मैं कहूँगा तो फिर बुरी लगेगी, आखिर क्या वजह है कि हरियाणा की सरकार गिराने के लिए वीपी हाउस के अंदर वो सब जो पैसे का लेन देन किया गया और उस पैसे के दम पर वहाँ तोड़फोड़ की गई। ये हिंसा किसी के किसानों के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, ये शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए, लेकिन क्या करें, ऐसा हो जाता है, सामने हो रहा है, तो ऐसा कोई घटना ना हो देश में दोबारा जिससे किसानों के नाम पर कोई काला कलंक लगे। आपने बड़ी बात कही हरियाणा के बारे में, इतनी भर चाहते हैं चौधरी जी, मैं आपकी इसी बात से शुरू करूंगा कि क्या वाकई में हरियाणा की सरकार गिराने का कोई प्लान था। लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले डॉक्टर विवेक जैन नोएडा से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक जैन, क्या कहेंगे आप प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च के बारे में, आपका मन क्या कहता है, क्या अन्नदाताओं को निकालना चाहिए ट्रैक्टर मार्च? देखिए सर, इन माई ओपिनियन वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो सबको अपना हक है, सब कुछ कर सकते हैं, बट इन लाइक अभी 26 जनवरी है, जैसा अभी सब लोगों ने बोला कि 26 जनवरी का टाइम ऐसा होता है, कुछ असामाजिक तत्व हो सकता है इस तरफ कुछ ऐसी गतिरोध और ऐसा कुछ प्लान कर सकें, उस जो हमारी किसान निकालना चाहते हैं, तो दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट टाइम आई थिंक। और देखिए, जब हम कर रहे हैं, सब लोग कर चाहते हैं, किसान अपना चाहते हैं कि निकालें सब जो गतिरोध है उनका, बट इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, आज 55 दिन से वो बिल्कुल अच्छे और पॉजिटिव वे में हम सब यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा अन्नदाता है, हमारा पेट उन्हीं के खाने से भरता है, इसलिए उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है, उनका सम्मान हो, उनकी बातें मानी जाए। बहस को ब्रेक के बाद शुरू करूंगा, लेकिन दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, नुपुर जी को भी दिखा दीजिए, सुरेन राजपूत को भी दिखा दीजिए, सर दूसरे चैनल के लोगों का नाम लेके मेरी नौकरी खतरे में मत डालिए, आप दोनों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज अब हम रिफ्रेम करेंगे किसी व्यक्तिगत आदमी का नाम लेने से, लेकिन ब्रेक को बाद हम जारी रखेंगे। कृष्णवीर जी ने जो बात कही है कि क्या वाकई हरियाणा सरकार गिराने का कोई प्लान था, ब्रेक के बाद।
तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं अन्नदाता किसानों की। ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को करना चाहते हैं, लेकिन क्या यह परंपरा से हटकर नहीं होगा? क्या कोई शरारती तत्व उसमें घुसकर कोई बदमाशी कर सकता है? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। नुपुर शर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी मेरे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के मेरे साथ हैं, मंजिंदर सिंह सिरसा साहब वरिष्ठ नेता अकाली दल के मेरे साथ हैं, रोहित जाखड़ साहब किसान नेता मेरे साथ हैं, कृष्णवीर चौधरी जी भारतीय कृषक संघ के अध्यक्ष, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले कृष्णवीर चौधरी जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर आऊंगा। हमने देखा था डेढ़ हफ्ते पहले किस तरह की हिंसा हुई थी हरियाणा में, जब मुख्यमंत्री वहां पर किसानों के संदर्भ में एक सभा करने जा रहे थे। सिरसा साहब मैं तुरंत आता हूं आपके पास जाकर साहब से सवाल लेके, और वो हिंसा अब कृष्णवीर कह रहे हैं कि वहां तो पैसों का लेन देन हुआ था जानबूझकर सरकार गिराने के लिए, वो हिंसा आपके एक नेता चढ़ूनी जिसको आपने निलंबित कर दिया है उन्होंने प्रायोजित कराई थी, ये उनका सीधा आरोप है। रोहित जाखड़ जी क्या कहेंगे, क्या ये हिंसा को किसान आंदोलन से लिंक करके ना देखा जाए? फोन कट गया। देखिए ये वहां के अन्नदाताओं के मन में जो गुस्सा है सरकार के प्रति, जो अन्नदाताओं के साथ हरियाणा सरकार ने व्यवहार किया, ये उसका प्रतिक्रिया है, और इसे आंदोलन से बिल्कुल जोड़ के देखा नहीं जा सकता। और जो ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है ये तथ्यात्मक नहीं है, इसके कोई तथ्य अभी सामने नहीं आए। ऐसा कोई भी काम आंदोलन को जितनी ऊर्जा सरकार आंदोलन को तोड़ने में लगा रही है, अगर इसको इसका समाधान ढूंढने में लगाती तो आज से बहुत पहले समाधान आ चुका होता, हमारे 70 किसान अन्नदाताओं का जो शहादत हुई है वो ना होती। लेकिन अफसोस है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने जो दमन और शोषण तय कर लिया है अन्नदाता का वो बड़ा शर्मनाक है, और अन्नदाता की समझ से परे है कि इतना प्रचंड बहुमत देने के बाद भी सरकार। ठीक है, अब आप सियासी बात कर रहे हैं रोहित जी, सियासी बात ना करिए। नुपुर जी मैं आऊंगा आपके पास। कृष्णवीर चौधरी जी आपने जो हरियाणा सरकार डिस्टेबलाइज करने का आरोप लगाया वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, बोल रहे हैं इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। फिर नुपुर जी और सिरसा साहब, कृष्णवीर जी मेरा सीधा सवाल है, रोहित जी बोल रहे हैं कि आप चढ़ूनी जी ने जो हिंसा करवाई उसको किसान आंदोलन से जोड़कर नहीं दे सकते क्योंकि आरोप चढ़ूनी जी पर लगे थे इसके, और सरकार गिराने की कोई कोशिश नहीं हुई वहां पर, ये भी कह रहे हैं वो। सही है, नहीं देखिए ये तो सब चीजें शिव कुमार कक्का जी ने पूरा वीडियो जो है वीपी हाउस का रख दिया है और इसीलिए उनको 41 लोगों से बाहर रखा गया है, उसी बात के लिए कमेटी बनाई गई है, ये सब चीजें तो सबके सामने आ चुकी हैं, इसे हम झुटला नहीं सकते। मेरा कहना ये है कि एक व्यक्ति अगर हरियाणा के मामले में इस तरीके से अलग कुछ कर सकते हैं, कल को ट्रैक्टर रैली में देखिए बलबीर सिंह राजेवाल जी जिम्मेदार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, वो खुद अपील कर रहे हैं, उनका पूरा वायरल हो रहा है उनका भाषण, वो कह रहे हैं कि भाई पंजाब में ट्रैक्टरों के आगे स्टील के पाइप लगाए जा रहे हैं, ये सब गलत है, ये काहे के लिए लाखों लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं ये उखाड़ने के लिए कि बैरिकेड हटा के फेंक देंगे, कि ये सब नहीं है, इससे नुकसान होगा, किसान आंदोलन के नाम पर धब्बा लगेगा, हम ये कुछ नहीं, हम शांतिपूर्ण चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जब बलबीर सिंह जी खुद अपील इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब हो रहा है मेरी जानकारी में आ रहा है और ये गलत है, वो खुद कह रहे हैं गलत है। रोहित जी सिर्फ 20 सेकंड, क्योंकि संगठन पर आरोप लगा है, सिर्फ 20 सेकंड आपको, मुझे सिरसा और सुरेंद्र राजपूत और नुपुर तीनों के पास जाना है। ऐसे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं और फिर तमाशा हो जाएगा किसानों के नाम पर, ऐसा दाग लग जाएगा इस देश में कि पीढ़ियां नहीं मिटा पाएंगी। 54 दिन से शांतिपूर्ण चल रहा है और तो फिर हरियाणा में हिंसा कैसे हो गई सर? फिर हरियाणा में हिंसा कैसे हो गई? उसी किसान, अगर आपका आंदोलन का लोग समर्थन कर रहे हैं तो जो लोग किसानों के बिल के फेवर में थे उनको भी सुनने का हक होना चाहिए था, उनको भी मुख्यमंत्री को सुनने का हक होना चाहिए, वहां पर हिंसा क्यों हुई? देखिए वहां के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इस सभा का विरोध किया है, उन्हें किसी किसानों को सुनने के हक की बात नहीं है। जब वो किसानों से बात करना चाहते हैं तो पहले किसानों की मांगों पे तो बात करें। अब ना, ये तो राजनीतिक बात कर रहे हैं रोहित जाखड़ जी, राजनीतिक बात मत करिए प्लीज, नहीं आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा भाई साहब, ये लोगों में मर्म है, ये दर्द है। ठीक है, चलिए मैं आपके पॉइंट को एक्सेप्ट करता हूँ। नुपुर शर्मा जी और फिर उसके बाद सिरसा और फिर सुरेंद्र जी, गांव के लोगों ने मना किया, सुनो दीपक जी, गांव के लोगों ने ये कहा
कि ये हिंसा भड़काना गलत है, सारा गांव विरोध में हाथ जोड़ता रहा, सबने मना किया कि आप ये हिंसा मत भड़काइए, लेकिन गांव के लोग बेचारे क्या करते, चुप रह गए और वहां पूरा हिंसा का तांडव हुआ। ये जो चीजें हैं ये गांव के लोग नहीं थे सर, गांव के लोग नहीं थे, माफ कीजिएगा, फुटेज मैंने भी देखा है। नूपुर शर्मा जी बोलिए सर, बाहर के लोग रोहित भाई सुन लीजिए ना, नूपुर को सुन लीजिए, सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं इंतजार में, सिरसा जी भी, नूपुर जी कल को अगर इस रैली क्या हुआ था हरियाणा में, ये हिंसा क्यों हुई, आपको क्या लगता है नूपुर जी आ गए इस तरीके के लोगों के? मैं जरा बोल सकती हूँ, मैं तभी बोलूंगी दीपक जी, ऐसे तो चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? ठीक है कृष्णवीर जी सुन लीजिए नूपुर जी को, नूपुर जी किसान तो चुप देखेगा, तमाशा हो जाएगा, किसानों के हाथ में नहीं रहेगी कोई बात फिर वो। अच्छा, अब मैं आ सकती हूं? इसका सम्मान का भी सवाल है सबसे। अच्छा, वो आपसे कृष्णवीर जी सुन लीजिए, अब आपने बहुत वक्त लिया, कृष्णवीर जी प्लीज, नूपुर जी फिर सिरसा साहब और सुरेंद्र सिंह जी। ऐसा है ढाकर साहब जब बोल रहे थे पहले, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हरियाणा की सरकार ने जो किसानों के हितों के खिलाफ किया, क्या कर रहे थे वहां पे मुख्यमंत्री साहब, किसान पंचायत कर रहे थे कि तीन कानून में आखिर लिखा क्या है, कैसे उनका फायदा हो सकता है, अगर कोई बात है तो आप मुख्यमंत्री साहब को बताओ। तो मुझे समझ नहीं आता किसान पंचायत करने से कैसे किसानों के हितों को मारा जा सकता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई। दूसरी बात देखिए, 12-13 जनवरी को जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया है, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा है कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली नहीं जाएगी, उसी दिन सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे की बात को ऑब्जर्व करने के बाद उस शाम को बीकेयू हरियाणा जो संयुक्त किसान मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, ये बाकायदा अखबार में छपाएंगे कि जी नहीं हम तो 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली भी ले जाएंगे, बैरिकेड भी तोड़ देंगे, पुलिस के ऊपर अटैक भी कर देंगे, आगजनी भी कर देंगे। और अगले दिन वही मैं कहूंगी जो ये वकील साहब थे दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण जैसे सारे गायब थे, ये तो ऑर्डर तक में लिखा हुआ है। और दूसरी बात अब आप सुन लीजिए, दो दिन पहले जब ये अखबार में आया, ये चडूनी ये कांग्रेस के नेताओं के साथ लेन देन में लगे हुए कि हरियाणा सरकार को कैसे बिल्कुल ही वो किया जाए, धकेला जाए, हटाया जाए, गिराया जाए, तो चडूनी साहब के ऊपर जब संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने कहा इनको बाहर निकालते कोर कमेटी से, तो उन्होंने अपने पूरे इस कमेंट्री को यूटर्न लेते हुए वापस लिया कि नहीं अब मैं वापस लेता हूं बात, कांग्रेस से और सरकार गिराने से हमारा कोई लेन देन नहीं है। जरा जवाब तो ये देंगे, संयुक्त किसान मोर्चा किसान संगठनों के यहाँ पे प्रवक्ता बन के बैठे हैं, जवाब तो ये देंगे ना, क्योंकि ये सारे के सारे बयान उनके हैं कि 26 तारीख को तोड़फोड़ भी करेंगे और पुलिस बैरिकेड्स के ऊपर भी तोड़ेंगे, पुलिस के ऊपर अटैक भी करेंगे और हम सरकार भी गिराएंगे, ये सारे उनके बयान है भाई साहब सब अखबारों के अंदर। अब आप बताइए कि किसकी बात मानी जाएगी, और ये कोर कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य है। ठीक है सीधे सिरसा साहब, क्या सिरसा साहब कृष्णवीर जी का आरोप ठीक है कि हरियाणा में जानबूझकर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई? मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मुझे पूरी रखने देंगे। दीपक जी ऐसा है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, कृष्णवीर जी ने बोला, मैं पहले तो बड़ा हैरान हूं, जिन लोगों ने तो लंगर खिलाया उनको आपने NIA के नोटिस भेज दिए, और अगर वाइस प्रेसिडेंट हाउस में वीपी हाउस जो फ्लैट भाई पटेल हाउस, अगर पैसे का लेन देन हुआ विपल भाई पटेल हाउस में, इसने मेरे मुंह से गलत निकल गया था, तो उसमें अगर पैसे का लेन देन हुआ, सरकार को गिराने तक का लेन देन हुआ, तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि देश की सरकार चुप बैठी है। क्या चीज़ डरा रही है इनको, क्या चीज़ डराती है इनको कि ये बेगुनाह लोगों को तो NIA के नोटिस भेज रहे हैं, और जो लोग पैसे का लेन देन गिर रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, उन लोगों को ये बचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर देखिए बीजेपी का मैंने ऑफिशियल बयान पढ़ा था, नूपुर जी यहाँ मुझे क्लैरिफाई कर देंगे, यहाँ कहा गया कि किसी भी सूरत के अंदर अब किसानों के जो विरोध के अंदर, जो बिलों के हक के अंदर और किसान आंदोलन के विरोध के अंदर कोई भी मीटिंग नहीं की जाएगी, कोई सभा नहीं की जाएगी, क्योंकि बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि जो तुम कहना चाहते थे वहाँ के लोगों ने विरोध किया है, जिनको समझाने गए थे, और वो हिंसा नहीं हुई, हिंसा होती है जब किसी को मार दाड़ो कुछ, अरे भाई स्टेज तोड़ दिया, क्यों तोड़ा स्टेज, क्यों होर्डिंग फाड़े, फटते हैं भाई, सर जी आप कैसे बोल सकते हैं स्टेज तोड़ना दिल्ली में फाड़े हैं भाई आपने, सर नहीं सर सर ये बात तो ये कर तो दीजिए आप बात, ये क्या हिंसा है, स्टेज तोड़ना क्या हिंसा है सिरसा जी, मुझे जवाब दीजिए ना, स्टेज तोड़ना क्या हिंसा है, हेलीपैड उखाड़ देना क्या हिंसा है, लोगों को भगा देना क्या हिंसा है, बीजेपी ने
तो बीजेपी ने जब बंगाल की ये सीपीआई के दफ्तर के बाद किया था वो क्या था? जब बीजेपी अभी दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर किया था वो क्या था? वो अहिंसा थी, वो शांति थी? मुझे बता दें नुपुर जी, अभी थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के आम आदमी क्या कहेगा, जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर जो बैरिकेड तोड़े गए, जो पत्थर चले, वो क्या शांतिप्रिय प्रोटेस्ट था? तो प्रोटेस्ट का नजरिया अलग हो जाता है। जब बीजेपी का प्रोटेस्ट होगा उसका नजरिया अलग से है, जब किसानों का प्रोटेस्ट होगा उसका नजरिया अलग से है। अगर बीजेपी वहां पर तोड़फोड़ करेगी जल बोर्ड के बाहर तो हमारा विरोध है, हमारा विरोध है इस सरकार के खिलाफ, और अगर किसान विरोध करेंगे तो ये देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं। ये दो दो पैमाने नहीं चलेंगे, ये दो दो पैमानों से सरकारें भी नहीं चलती और देश। ठीक है नूपुर जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक कमेंट सुरेंद्र सिंह राजपूत का नहीं, मुझे जवाब दीजिए। बात मुझे इनकी बात उनकी बात करेक्ट करनी है प्लीज। इन्होंने बात कैसे शुरू करी भैया? दो बातें एक, अगर आपके पास सिक्का है तो चिट भी मेरी पट भी मेरी। एक तरफ दीपक जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड दीजिए मुझे, ये क्या हो रहा है राजपूत जी, प्लीज एक सेकंड दीजिए मुझे, ये क्या हो रहा है, बताती हूँ क्या हो रहा है। खालिस्तानी भिंडरन वाले बनाने वाले आप थे, वो बाद में समझाऊंगी, पहले सुन मैं सिरसा जी से बात कर लूं। मैं सिरसा जी, ये क्या बात है, सिक्का मेरा चिट भी कांग्रेस तो हमेशा ही खालिस्तानी का है, तो इसमें नया क्या है? कह रहे हो एक तरफ तो खालिस्तानी, कांग्रेस तो हमेशा में खालिस्तानी का, एक तरफ तो आप कह रहे हो यहाँ बैठ के, एक तरफ तो आप साफ कह रहे हो यहाँ बैठ के जिन्होंने अंदर बांटा आपने उनके ऊपर समन कर दिया, और दूसरी बात कह रहे हो कि अगर ये गैर कानूनी लोग हैं तो क्या बीजेपी सो रही है, क्यों नहीं एक्शन ले रही है? अरे भाई साहब, अगर कुछ गैर कानूनी नजर आएगा तो एक्शन होगा, और जहां पे एसएफजे का नाम आएगा वहां एक्शन होगा। कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को दिखा है कि पैसा आया है कहीं ना कहीं से, रिस्पॉन्ड नाउ। और भाई सर एक मिनट, नूपुर जी जैसे ही खत्म करें मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। दीप सिंधु, अरे दीप सिंधु ने एक महिला पत्रकार को अपना बयान देते देते भिंडरन वाले के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया था। भिंडरन वाले का लिटरेचर बकायदा वहां पे पटा है सिंघू बॉर्डर पे, मैंने उसकी फोटो तक दिखा दी। कांग्रेस के कद्दावर नेता भी कह रहे हैं कि वहां खालिस्तानी फोर्सेस है, हाय हाय मोदी मर जा तू, ऐसे नारे भी लगे हैं। और मैं आपको साथ साथ बता दूं, शारजील इमाम को रिहा करो, उमर खालिद को रिहा करो, भैया ये क्या अगवाते हैं अपने आंगन के अंदर, कौन सी खेती कर रहे हैं? मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, जो नूपुर जी कह रहे हैं उसमें कोई दम है, और फिर रोहित जाखड़ जी से कंक्लूड करूंगा। सुरेंद्र जी, तीन बातें यहां पर हुई। पहली चीज, हरियाणा सरकार को गिराने की बात एक सरकारी एजेंट ने करी कि कहा हरियाणा सरकार गिराने सर व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं सर, जोड़ दीजिए ना, हम लोगों ने संभाल रखा है, सुन लीजिए, हम लोगों ने संभाल रखा है इसलिए कि किसान आंदोलन के ऊपर आरोप लग जाएगा कि हरियाणा सरकार गिराई। दूसरी बात, हिंसा भारतीय जनता पार्टी ने करी, शिव कुमार अब राजपुरे से लेकर के और दिल्ली बॉर्डर तक 30 फुट की सड़क किसने खोदी, 30 फुट की सड़क किसने खोदी, आंसू गैस किसने चलाई, लाठी डंडे किसने चलाए, ये भाजपा सरकार ने नहीं चलाए तो क्या किसने चलाए? एक बात, दूसरी बात आप आ जाओ, अब ये सरकारी एजेंटों को रहने दो, कृष्णवीर आपने तो बलराम जाखड़ को धोखा दिया है, जो बलराम जाखड़ का धोखेबाज है उस आदमी को उस चैनल पे बैठने का हक नहीं है। बलराम जाखड़ का धोखेबाज है कृष्णवीर, तुम जानते हो कृष्णवीर चौधरी बलराम जाखड़ को धोखा दिया, जानता हूं मैं बलराम जाखड़ का धोखा दिया, सरकारी संपत्ति को लूटोगे, बोलो मत, सरकारी संपत्ति को लूटोगे, सरकारी एजेंट हो क्या, सरकारी दलाल, अरे लुटेरे हो क्या, सरकारी दलाल, अरे किसानों की संपत्ति को लूटने के लुटेरे हो, और शर्म आनी चाहिए बेईमानो, किसान से भारत कृषक संघ बनाते हो, बोल नहीं सकते हो आज इस दुनिया में, अपने गुरु को धोखा देते हुए बलराम जाखड़ साहब के धोखेबाज हो जाएगी तो मरने में तुम्हारा हाथ है, सारे पाप बात करते हो, बदतमीज आदमी हो, जांच हो जाएगी, बदतमीज आदमी सरकारी दलाल हो, और झूठा आरोप लगाते हो कांग्रेस सर, व्यक्तिगत ना हो बेहतर है ना सर, सर मुद्दे पे बात करें, व्यक्तिगत क्यों हो सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी व्यक्तिगत क्यों हो, कृष्णवीर जी व्यक्तिगत क्यों हो, मुद्दे पे बात करें ना, मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। रोहित जाखड़ की कुछ कहना चाहते थे, रोहित जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आरोप तो लगे हैं ना कि सिख पर जस्टिस के लोग घुस गए हैं, और सिख पर जस्टिस ने आपके समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन भी किया है, उनका किसान आंदोलन से क्या लेना देना मैं आज तक नहीं समझ पाया। किसानों के संगठनों को बात कर रही है, चालीस नहीं करते, वो दीप सिद्धू प्रधानमंत्री जी के पास सनी देओल के साथ गया था, अरे क्या जब वो राष्ट्रवादी था, पाकिस्तान के साथ खड़ा है वो खालिस्तानी है, कम से कम अंदाजा के अंदाजा से ये आरोप कि वो आतंकवादी है खालिस्तानी है, ये बात तो कम से कम बातें ठीक है। कंक्लूडिंग का मैं नूपुर शर्मा जी, आरोप लगा है कि भाई वो तो सनी देओल के साथ प्रधानमंत्री से मिला है,
बात करने की भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं मक्कार है। 40 लोगों को जब आप नोटिस दे रहे हो तो आप बात किससे कर रहे हो? खालिस्तानों से बात कर रहे हो? एक तरफ आप बात करते हो कि वो लोग सुरेंद्र जी आप थोड़ा खामोश हो जाइए ना। आप मुझे पता है आप एंग्री यंग मैन है, अमिताभ बच्चन से सीधे कॉम्पीट करते हैं गुस्से के मामले में। नुपुर जी जवाब दीजिए, खालिस्तानी है तो हमारा क्या नाम झूठ नहीं खोलेगा? जहाँ तक बात बात करते हैं लोग झूठे लोग, सिंधु अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पताल जाए कहीं जाए, हमें क्या लेन देन? क्या इसका मतलब वो कानून से ऊपर है? उससे भिंडरन वाले को सपोर्ट किया, वो भिंडरन वाले जिसने ये बदतमीज ये तो गाली गलौज करने वाला सुरेंद्र राजपूत है। एक गायक है, विषयांतर मत करो, दीप सिंधु को शिखंडी मत बनाओ अपने पापों को छुपाने के लिए। आप लोग अपने पापों को छुपाने के लिए शिखंडी बनाते हो, कभी राडिया को कभी दीप सिंधु को। सब्जी और फल निकाल दिए ये झूठे मक्कार लोग, 2.5 लाख रुपए के कर में किसान को। अरे भाई सब्जी और फल निकाले उस समय क्या कर रहे थे आप? आपको मालूम ही नहीं है ना खेती मालूम ना किसानी मालूम? इनके शब्द बात करते हो और कुछ नहीं है आपके पास कांग्रेस को कोसने के लिए। आप कृषि कानून आप किसानों का भला नहीं चाहते हो, आप सरकार में रह के कांग्रेस को कोसते हो, जितना मोदी जी ने कांग्रेस को कोसते हो। झूठे भी हो मक्कार भी हो, कांग्रेस कांग्रेस के नाम से आप किसानों की समस्या सॉल्व नहीं करना चाहते हो। अरे टीवी की तमीज, अरे भाई तमीज आप सीखो। प्लीज रिक्वेस्ट, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल में यही रोकना पड़ेगा मुझे। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब पढ़े लिखे समझदार सुसंस्कृत राष्ट्रीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, प्लीज ऐसा ना करिए। अरे तो इनकी भाषा पे आप बोलिए तो सही, बहस को गुंडों में मत फंसा टीवी के ऊपर बैठ के। ठीक है, मैंने दो बार टोका नुपुर जी, मैंने दो बार टोका। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए, हाँ कहना है 94% लोगों का। मैं आप सबको रोकूंगा, अफसोस बहस में वक्त मेरे पास इतना ही है। मैंने सवाल पूछा था गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए, हाँ कहना है देश की बहस के 94% दर्शकों का। देश की बहस में आज इतना ही, रात 9:58 पर ब्रेक के बाद देखिए वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का दो टूक और सटीक जवाब। कब मिलेगी आपको वैक्सीन? ब्रेक के बाद।